आंखें बंद कर दीजिए एंड शांति से बैठ जाइए, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। ओके सो दोस्तों, क्लोज योर आईज, आंखें बंद, पूरी तरह से आंखें बंद, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स्ड। लाइट वाइट बंद कर दीजिए, चैट वैट करना बंद कर दीजिए, चैट पे कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, मेरी आवाज़ को सुनते रहें, मेरे आवाज़ को सुनते रहें। चेहरे पे मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक लंबी और गहरी सांस, एंड मुंह के द्वारा छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स कर दें। पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर दें। दोस्तों अपने बचपन को याद करें, जब आप छोटे थे, नन्हे नन्हे कदमों से भागा करते थे, नन्हे नन्हे कदमों से खेला करते थे। उस बचपन में बहुत अजीब हसीन प्यारी सी बातें थी। बचपन में आपके छोटे छोटे दोस्त हुआ करते थे, उन दोस्तों को याद कीजिए और एक एक करके उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए एंड उन्हें बोलते जाएं, थैंक यू यार, थैंक यू मेरे बचपन को इतना प्यारा बनाने के लिए। उनके साथ आप छुपन छुपाई या पता नहीं कौन से गेम खेलते थे, पेड़ों पे भी जाते थे, जस्ट फील ग्रेट। छोटे छोटे वो दोस्त याद कीजिए, शायद बरसों हो गए उनसे मिले हुए, उनसे बिछड़े हुए, आज उन्हें वापस से याद कीजिए और मन ही मन आपके बचपन को अच्छा बनाने के लिए उनका हंसता मुस्कुराता वही बचपन का इनोसेंट चेहरा आंखों के सामने लाएं और उन्हें बोल दे थैंक यू। दोस्तों बचपन में आपके कई रिश्तेदारों ने आपको गोद में खिलाया होगा, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, इन सभी रिश्तेदारों को याद करें, इनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं, अपने माइंड में लाएं। इन्होंने आपको गोद में खिलाया, हवा में उछाला, आपको एंटरटेन किया, उसके लिए मन ही मन इन सब को बोल दें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मन ही मन याद करें, वो गलियां, वो सड़कें, वो मैदान, वो खेत, वो खलियान, वो पेड़ जिसके नीचे आप खेला करते थे, वो गांव जहां आप जाया करते थे या रहा करते थे, हर एक चीज को याद करें जो शायद बरसों पीछे छूट गई है और आज मन ही मन उन सभी चीजों को दिल से बोल दें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों याद कीजिए आपकी स्कूल का वो पहला दिन, नर्सरी क्लास में आप थे या फर्स्ट क्लास में आप थे, नन्हे नन्हे कदमों से पहली बार स्कूल ड्रेस पहन के, डरते हुए घबराते हुए आप स्कूल में गए। उस स्कूल में आप बैठे, उठे, डरे, आपको कई सारी टीचर्स ने वहां ए बी सी डी पढ़ाई। आज इतने साल हो गए, शायद आपको लग रहा है कि उन टीचर्स ने आपकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं की, लेकिन दोस्तों ए बी सी डी से ही आपकी नींव बनी। उन बचपन के स्कूल के टीचर्स को याद कीजिए, देखिए कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा या शरीर आपके सामने है, मन ही मन उनके पैर छू लीजिए और उनको बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
दोस्तों मन ही मन ही याद कीजिए वो स्कूल की बिल्डिंग्स, वो कमरे, वो क्लासरूम, वो व्हाइट बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड, वो चौक, वो बच्चों के साथ खेलना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सभी स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए और मन ही मन बोल दीजिए धन्यवाद यार इतने प्यारे दिन देने के लिए, धन्यवाद। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को याद कीजिए जिनके साथ आपने ढेर सारी मस्ती की, घंटों बिताए, दिल की सारी बातें शेयर की, घर परिवार की बातें शेयर की। बहुत सारी ऐसी चीजें की जो शरारतें थी, इन बेस्ट फ्रेंड्स को याद करें और मन ही मन बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गले से लगा लीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड्स को दोस्तों। हर उस इंसान को याद कीजिए जिसने बचपन से आज तक कभी भी किसी भी रूप में आपकी सहायता की हो, चाहे 2 रुपए दे के, चाहे कोई गाइडेंस दे के, चाहे किसी तरह की कोई और सहायता आपको पहुंचा के। मन ही मन उन्हें बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों याद कीजिए अपने भाई बहन को या अपने कजन भाई बहनों को, उनके साथ बिताए हुए बचपन के पलों को, साथ की हुई शरारतों को, सुख दुख आपने एक साथ झेला, पैसों की कमी हो चाहे संसाधनों की कमी हो, वो आपके साथ रहे, आपका हौसला बढ़ाया, आपको गले से लगाया, आपके बचपन को सुनहरा बनाया, आज तक भी शायद आपका साथ दे रहे हैं। अपने भाई बहन को मन ही मन याद कीजिए, गले से लगा लीजिए एंड बोल दीजिए आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। आज हो सकता है थोड़े डिफरेंसेस हो गए हों कभी कभी शादियों के बाद या किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, आज सब फॉरगिव कर दीजिए, सब भूल जाइए और अपने भाई और बहन को मन ही मन गले से लगा लीजिए और बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों इतने सालों से आपके घर में पैसा आ रहा है, आप सभी को अन्न मिल रहा है, खाने के लिए रोटी मिल रही है, आपके घर में बैठने के लिए कुर्सी है, आपके पास पलंग है सोने के लिए, खाने पीने के लिए बर्तन है, लाइट है, पंखा है, मोबाइल फोन है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। मन ही मन इन सभी चीजों के लिए बोल दीजिए भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज आप में से हर एक व्यक्ति कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी टैक्सी से, कभी ऑटो से, कभी साइकिल से, कभी स्कूटर से ट्रैवल करता है। आज से 100-200 साल पहले, 50 साल पहले लोगों को बैलगाड़ी से जाना होता था, पैदल जाना होता था। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये सारे संसाधन हैं, सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, किसी से भी आज बात कर सकते हो,
इंटरनेट के थ्रू घर बैठे इतना प्यारा प्रोग्राम अटेंड कर पा रहे हो। भगवान को धन्यवाद बोलते जाएं सभी चीजों के लिए। बचपन से आज तक आपको ऑक्सीजन मिली, आपको पानी मिला, सनलाइट मिली, आपकी बॉडी हेल्दी है। हर चीज को याद करते जाएं और थैंक यू बोलते जाएं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दोस्तों, इस समय मैं चाहूंगा कि आप अपने रियल हीरो, आपके हीरो को याद करें, आपके हीरो, आपके पापा, जिन्होंने बचपन से आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए अनगिनत काम किए। इन्हें शायद वो सारे काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये कई रातों को जागे, पैदल चले, बहुत सारी मुसीबतें इन्होंने झेली। ये हमेशा परेशान रहे, कभी इन्होंने हार्ड वर्क किया, कई किलोमीटर्स पैदल चले, कभी इन्होंने पैसों का जुगाड़ करने के लिए किसी से शायद उधार भी मांगा, कई चिंताओं में रहे, खुद पुराने कपड़े पहने लेकिन शायद हर त्योहार पे आपको नए कपड़े लाके दिए। दोस्तों, मन ही मन अपने पापा को याद कीजिए और उनको गले से लगा लीजिए और बोल दीजिए, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। दोस्तों, इन्होंने पाला पोसा, आपके बचपन की सारी जरूरतें पूरी की, आपको पढ़ाया लिखाया। जरूरतें आपकी मम्मी की थी, आपके भाई बहन की थी, आपके दादा दादी की थी, आपको आपको घर बना के दिया, आपके सारे बचपन के सपने पूरे किए, आपके लिए एक सुपरमैन का काम किया। मन ही मन दोस्तों अपने पापा को याद कीजिए एंड बोल दीजिए, आई लव यू पापा। आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पापा का दिल दुखाया होगा, जो वो चाहते थे वो शायद नहीं किया होगा, हर्ट हुए होंगे वो। आज मन ही मन उन्हें बोल दीजिए, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली रियली सॉरी। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो जिनके पिताजी उनके साथ हैं। कई लोग आज कोविड के कारण अपने पिताजी से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये टफ रियलिटी है। मन ही मन अपने पापा को गले से लगा लीजिए। सारे डिफरेंसेस, अगर एक भी परसेंट कोई भी डिफरेंस है, तो मन ही मन अपने पापा को बोल दीजिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। दोस्तों, अब याद कीजिए आपकी उस देवी को जिन्होंने आपको इतने साल पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, खिलाया पिलाया। और आज मदर्स डे है, तो अपनी मम्मी को दिल से याद कीजिए। बचपन से पूरी कहानी को रिवाइंड कीजिए कि उन्होंने आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पिताजी के लिए, आपके दादा दादी के लिए, सबके लिए आपकी मम्मी ने क्या क्या किया। आपकी मम्मी ने किस लेवल के सेक्रीफाइसेस किए, आपकी मम्मी ने किस तरह की जिंदगी जी। कभी खुद पुरानी साड़ियां पहनी लेकिन आपको नए कपड़े पहनाने की कोशिश की, आपके लिए स्वेटर बुने होंगे, सुबह सबसे जल्दी उठना और सबसे लेट सोना, कभी बदन दर्द था तो भी काम करना, कभी
तकलीफें थी तो भी काम करना। कभी पापा नाराज हुए मम्मी पे, कभी आप लोग नाराज हुए, कभी आपके दादा दादी नाराज हुए, ये सारे चीजें छोड़ के आपके घर में आई, आपके घर को संवारने के लिए। फिर भी शायद इन्हें कई बार सुनने को मिला, आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। शायद मुझे लगता है कि जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार इन्हें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। हम में से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिस्से का लड़ाई इनसे किया। कई बार तो हमने इन्हें भला बुरा भी कह दिया। दोस्तों, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई किचन का काम हर चीज आपकी मम्मी ने की। आपकी गंदगी साफ करना, आपके भाई बहनों की गंदगी साफ करना, घर में कोई बीमार हुआ तो उसकी साफ सफाई करना, ये सब चीजें आपके मम्मी पापा करते रहे। तो मन ही मन अपनी मम्मी को याद कीजिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। इतनी तकलीफों के बावजूद भी she was always there to support you, to help you। आपके पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा, सारी जिम्मेदारियां निभाई, रिश्तेदारों की, आपकी, फादर की, हर तरह से निभाई। दोस्तों, मन ही मन अपनी मम्मी को याद कीजिए एंड बोल दीजिए, आई लव यू मां, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, गले से लगा लीजिए एंड बोल दीजिए, मम्मी आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही प्यारा सा गाना याद आता है जो कि शायद आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। वो है नेहा कक्कर का गाना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली भाली है, ओ मां मेरी मां। ये जो दुनिया है वो वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ मां, ओ मां। अभी तक मैं कहना चाह थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का समय अपनी मम्मी के साथ बिताइए और आज मदर्स डे पे उनसे सारी माफी मांग लीजिए, सारे गिले शिकवे मिटा लीजिए, दिल से उन्हें धन्यवाद कहिए। बचपन से आज तक की इतने सारे एहसान हैं उनके लिए, उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। ओ मेरी निंदिया पे ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। माय डियर फ्रेंड्स, माँ बच्चों की जहां होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मदर शायद इस समय उनके साथ नहीं है, लेकिन जिनकी है वो वैल्यू करें, इस रिश्ते की वैल्यू करें, अपने माता पिता की वैल्यू करें, दिल से वैल्यू करें, दिल से वैल्यू करें। क्योंकि ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन आई थिंक भगवान के मंदिर में जाके जब हम माथा टेकते हैं
किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, मुझे नहीं पता कि हमें वो मिलती है या नहीं, लेकिन माँ बाप के सामने हमने बचपन से जो भी डिमांड किया हमारी पूरी हुई। तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ है, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं, क्योंकि सच में माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है, उन्होंने ही संभाला है, उन्होंने ही जन्म दिया है, उन्होंने ही सारी ज़रूरतें पूरी की है, उन्होंने ही सारे संस्कार दिए हैं। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा और आपने भी कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ, हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, हौसला देने के लिए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए भगवान ने माँ बाप को भेज दिया। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग, दैट्स अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग। धीरे धीरे अपने वातावरण की तरफ सजग हो जाएं, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा मूव करें, अपनी बॉडी को धन्यवाद दें, आप चल सकते हैं, आप फिर सकते हैं। मन ही मन अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए धन्यवाद बोलें, भगवान को हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलें, और धीरे धीरे व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन ओपन योर आईज, यू कैन ओपन योर आईज, यू कैन ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये जो फीलिंग है, ये पहली फीलिंग है जो कि आपकी ऊर्जा को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाती है। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपको समझ में आता है हाउ रिच आर यू, आप कितने रिच हैं, आपको समझ में आता है कि आपको भगवान ने क्या क्या दिया है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, शायद कई लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, कई लोग अपने पास पड़ोस वालों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने अपने परिवार वालों को खो रहे हैं, कई लोग अपने जीवन को खो रहे हैं। आप और मैं बहुत लकी हैं दैट हम ये हैं। आज आप और मैं इंटरनेट पे बैठ के इतनी सुंदर चीजें सीख पा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने परिवार वालों के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, मुझे कभी नहीं मिला ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल पे, इतने सारे डिटेल में। आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि हमें इतना सब कुछ। आज ऑक्सीजन जब सिलेंडर्स नहीं है या कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाने पड़ रहे हैं, आज ऑक्सीजन के प्लांट कम पड़ रहे हैं, तब लोगों को समझ में आ रहा है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, तब लोगों को समझ में आ रहा है पेड़ों की वैल्यू क्या है। लेकिन उन्हीं पेड़ों को हम सब ने काटा है, इंसान ने ही काटा है। दोस्तों, हर चीज को वैल्यू करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज मेरे कारण ये वर्कशॉप नहीं हो रही है, आप लोग मुझे बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आप में से कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, BSR यू आर लाइक गॉड, ये वो। दोस्तों, मैं कुछ नहीं हूं, ये कैमरा नहीं हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हूं, ये मेरा माइक नहीं हो, मेरी टीम मेरे साथ नहीं हो, आप लोग इस वर्कशॉप में ना आए, ये यूट्यूब ना हो, ये केबल्स जो लगी हुई है वो ना हो, ये कंप्यूटर ना हो, फोन ना हो, तो ये कैसे होगा वर्कशॉप। आई एम नोबडी,
आई थिंक फुल यूनिवर्स इस वर्कशॉप को करने में शामिल है। अगर मैंने ये सोच लिया मैं कर रहा हूँ तो अहंकार एक मिनट में शूट हो जाएगा और वो अहंकार से शायद वापस बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों इसीलिए हर रोज हमें अपने आप को ये याद दिलाना, यार वी आर सो ब्लेस्ड, काउंट योर ब्लेसिंग हर रोज। अपनी ऊर्जा को अप रखना है रोज, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा अप है, यानी कि आपकी फीलिंग अप है, आपके इमोशन अप है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। ये समझ लो आपकी जिंदगी में सही चीजें अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी, क्योंकि जब आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो वही बार बार दिखेगी। अगर इस समय आप अपने कमरे में ब्लैक कलर देखना चाहो तो आपको सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा, और अगर आप रेड देखना चाहो तो आपको रेड दिखेगा, अगर आप ब्लू देखना चाहो तो आपको ब्लू दिखने लगेगा। देखिए एक बार ब्लू कलर, आपको ब्लू दिखेगा क्योंकि आपने ब्लू पे फोकस किया। तो जब आप रोज अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे कि यार मेरे पास माँ है, मेरे पास पिताजी हैं, मेरे पास घर परिवार वाले हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, बीवी बच्चे हैं, टीम है, लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे पास चीजें हैं रोज के इस्तेमाल की, इतना रिच हूं मैं। अब भी क्या आप में से कई लोगों को लगता है कि आप गरीब हो या आप पुअर हो? ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया, वो बड़े हम छोटे। अरे हम कहाँ छोटे यार, हाँ वो हमसे ज्यादा सफल है शायद और हम भी उसी रास्ते पे। ये कहिए, आप ये मत बोलिए वो बड़े, तो ऑपोजिट क्या हो गया, मैं छोटा? नो, मैं छोटा नहीं हूं, मैं छोटा हो ही नहीं सकता। वो अंबानी बड़ा होगा, मैं छोटा नहीं हूं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा मेरे से ज्यादा पैसा और मेरे पास भी होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट। और मैं उनसे कंपेयर कैसे कर सकता हूं? मैं ट्रेनर हूं, मैंने जानबूझ के अपनी जिंदगी ऐसी चुनी है जहां मुझे दिन रात लोगों को सिखाना है। मैं कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई रिलायंस जियो का टावर नहीं लगा रहा हूं या ऐसी कंपनी नहीं खोल रहा हूं, तो मेरा और उनका कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी और के साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप अलग हैं, मेरी परवरिश अलग हुई है, मेरे को संस्कार अलग मिले हैं, मेरे को हर चीज अलग मिली है। आई एम रिच, सुपर रिच, ऑलरेडी रिच। ये फीलिंग चाहिए मेरे अंदर, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया थिंक रिच। I'm on a mission to make India. ये think rich movement है, ये movement है, ताकि मैं हर आदमी को सिखा सकूं कि यार आप already rich हो, बड़ा सोचो तो सही, rich सोचो तो सही। हर एक दायरे में लोगों की help करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, you are already super duper rich, my dear friend. You are already super duper rich. आई नो जब मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं कुछ लोगों को बोरिंग लगता है और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट आई डोंट केयर जो छोड़ के गए, आई केयर अबाउट यू जो आप अभी कनेक्टेड हैं। दोस्तों इसको समझिए, आज मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 पेजेस आप रात को लिख दें एक चीज़ों के बारे में कि बचपन से कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है, उन्हें याद कर करके लिख दें। दोस्तों 2014 में एक बार फिर से ऐसा हुआ कि मुझे अपनी कंपनी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, और जब मैंने निकला तो बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत लो एनर्जी में आ गया था थोड़े दिन के लिए। तो मुझे अचानक से याद आया, एक दिन मैं बैठा, मैंने ग्रेटिट्यूड की लिस्ट अपनी देखी और मैंने देखा उसमें मेरी आदत थी, मैं लिखता था ग्रेटिट्यूड, तो मैंने उसको पढ़ा तो मैंने लिखा ओ माय गॉड कितना रिच हूं मैं। जैसे मैं वो लिस्ट पढ़ता गया और फिर मैं उसमें और ऐड करता गया कुछ चीजें, मैंने लिखना शुरू किया मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मेरे भाई बहन इतने अच्छे हैं, मुझे इन्होंने सपोर्ट किया, इस दोस्त ने सपोर्ट किया, उस दोस्त ने सपोर्ट किया, ऐसा किया। मैं लिखता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, धीरे-धीरे नेगेटिविटी से इमीडिएट बाहर। सो काउंट योर ब्लेसिंग, आपके पास ब्लेसिंग्स का भंडार है, आपको लाखों चीज़ें मिल रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको करोड़ों चीज़ें मिल रही है जो कि आपको शायद पता नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर ही ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वो ट्रिलियन मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ट्रिलियन एक ट्रिलियन नहीं, हजारों ट्रिलियन होगी शायद, इतनी सारी कोशिकाएं आपकी बॉडी के अंदर हैं और हर एक कोशिका अपना काम कर रही है, हर एक कोशिका सांस ले रही है, हर एक कोशिका आपकी बॉडी को बनाने में काम कर रही है, मतलब पूरा ब्रह्मांड जुटा हुआ है आपको जिंदा रखने में, और आप कंप्लेन कर रहे हो, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो? नहीं, आप अकेले नहीं हो, यू आर एब्सोल्युटली पावर हाउस, आप कनेक्टेड हो पूरे ब्रह्मांड से। एंड इसीलिए मैं कहता हूं जो चाहोगे मिलेगा, मिलता है, मैं तो अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस से आपको ये बोल सकता हूं, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। ऑलराइट, और दोस्तों अगले
आई थिंक 21 दिन और बचे हैं इस वर्कशॉप के, अगले 21 डेज में हर एक चीज रोज रोज ऐसी एक एक प्रैक्टिस होती जाएगी, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस होती जाएगी ये टूल्स मिलते जाएंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके फादर अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए। उसने मुझे फ़ोन किया, सर मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मेरे फादर चले गए इस दुनिया से, मैं मान ही नहीं सकती मेरे फादर चले गए, मैं क्या करूँ इस समय। मैंने उसे एक ही चीज़ कही, मैंने कहा तूने कम से कम 20 टूल तो मुझसे सीखे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में तू इस्तेमाल कर सकती है। मैंने कहा तूने मेडिटेशन सीखा है, ग्रेटिट्यूड सीखा है, थैंक यू बोलना सीखा, हाउ वंडरफुल सीखा है, और भी कई सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा ये सभी टूल्स तूने इसलिए सीखे ताकि इस समय पे तू उनको इस्तेमाल कर सके, इस समय पे तू उनको इस्तेमाल कर सके। दोस्तों आज ये टूल जो आपको दिया है, एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, कभी भी करिए, रोज करिए, मैं तो रोज करवाता हूं लोगों को ये, चाहे एक मिनट के लिए ही करिए। रोज ये फील होना चाहिए आई एम द रिचेस्ट, रोज ये फील होना चाहिए मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो रहा है, डेली डेली ऐसा लगना चाहिए। दोस्तों आगे क्या कहूं, आज हम लोग ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो चीजें हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। आई थिंक इसी के कारण हम लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं, हम लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, हम लोग किसी को खुश नहीं देख पा रहे हैं, जेलसी की भावना बढ़ रही है, बदले की भावना बढ़ रही है, कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड हम लोग हो रहे हैं, स्ट्रेस में हम लोग आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। आई थिंक ये एक एक्टिविटी आप रोज कर लोगे ना 5 मिनट भी, तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे, आपकी ऊर्जा अप जाने लगेगी। ये पहला स्टेप है अपनी ऊर्जा को अप करने का, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। एंड आज अपनी सोने से पहले अपनी मदर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेटर लिख लिएगा, उन्हें बताइएगा हाउ मच यू लव यू, या उन्हें फोन कीजिएगा, उन्हें बात कीजिएगा, उन्हें वर्बली बता सकते हैं तो वर्बली बताइए, जस्ट टेल हर हाउ मच यू लव हर। अपने पापा को बताइए एंड 20-25-50 अच्छी चीजें लिखिए जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है। अगर आपको खाना मिल रहा है वो ब्लेसिंग है, आपको आपको अगर पानी मिल रहा है पीने के लिए, नहाने के लिए, ब्लेसिंग है। दोस्तों ऐसी जगह है राजस्थान में, कई ऐसे गांव हैं जहां पानी लेने के लिए परिवारों को कम से कम 20-20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है पीने के पानी के लिए। नहाना वाना तो छोड़ो, दूर की बात है, वो तो कोई 10-20 दिनों में एक बार हो जाता कई बार। कई जगह ऐसे गाँव है सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, लोगों को केमिकल वाला पानी पीना पड़ रहा है, लोगों को खाने के लिए कई चीजें नहीं मिल रही है, हमको सब कुछ मिल रहा है। अफ्रीका में जाके आप देखो भुखमरी है भयंकर, यू नो इथोपिया में मेरे एक फ्रेंड की खेती है, वो बोलता है 7 रुपए पर डे में मजदूर वहां मिलता है, और वो भी अभी मिलने लगा उनको 7 रुपया, पहले 3 रुपया पर डे उनको कुछ नहीं, एक छोटे से कमरे में 100 मजदूर ऐसे सो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए, बाकी उनको उनके पास कुछ नहीं है। और दोस्तों बहुत दुनिया में गम है, कहते हैं ना जब मैंने दुनिया के गम को देखा तब समझ में आया मेरा गम कितना गम है। आपके पास कोई गम ही नहीं है, आपको पैसों की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी ऊर्जा अपने अंदर आप काम करने लगोगे ना तो ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे, और जब कॉन्फिडेंस आएगा सब बदल जाएगा दोस्तों, सब बदल जाएगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड पर ट्रस्ट कीजिए, भगवान पर ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ करते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा। सर मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है लेकिन मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकती, कोई बात नहीं 5 मिनट तो कर रहे हो, इट इज़ अ ग्रेट मेडिटेशन, से थैंक यू फॉर दैट 5 मिनट, अरे वाह 5 मिनट आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, दैट्स सो नाइस। सर मैं आपके कारण मैं अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ, सो नाइस डियर, सो नाइस। खैर दोस्तों आई थिंक आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। कल सुबह 6 से 7 आप मेडिटेशन के लिए मिल सकते हैं, मेडिटेशन में ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग हील करते हैं और आप देखोगे कितने लोगों को हीलिंग होगा। अभी 3 से 4 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं, अगर आप 11 हज़ार लोग जो कनेक्टेड हैं, प्लीज़ इतना आलस मत करिए कि 6 बजे उठ नहीं सकते यार, उठ जाइए और जुड़ जाइए इस YouTube चैनल पे। सोने में जो टाइम दे रहे हो वो 1 घंटा मेरे साथ सुबह दे दीजिए, आई अश्योर यू आपके कारण कई जिंदगियाँ हील होगी, कई जिंदगियाँ हील होगी। इतना दुनिया से लिया है, बचपन से लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूमर बने हुए हैं हम लोग, कंज्यूम कर रहे हैं, हर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, अब देने का समय आया है यार। रोज सुबह 6 से 7 मेडिटेशन के लिए जुड़ो यार, आइए कम से कम 200, 500, 1000, 2000, 50000, 20000 लोगों को दुआएं तो देते हैं सुबह, इतना लिया है तो देना अभी तो बनता है ना यार।
देना भी तो बनता है। 90% लोग कुछ देते ही नहीं है दुनिया को, लेने ही लेने में रहते हैं। इसके ऊपर बहुत प्यारा सेशन लूंगा मैं, तो देना बनता है दोस्तों। कल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जरूर जुड़िए मेडिटेशन के लिए, और अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहें तो 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक भी जुड़िएगा, उसका लिंक कल सुबह मेडिटेशन में हम देंगे। एंड बाकी दोस्तों कल शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बड़ा दुख होता है दोस्तों ये देख के कि फ्री में सेशन हो रहा है, इतना वैल्यूएबल सेशन हो रहा है, एंड उसके बावजूद भी कई लोग कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। यू नो संख्या धीरे धीरे घटती जाती है क्योंकि लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, अच्छा है बुरा है। इसीलिए विनती है आपसे, रोज़ इन चीज़ों को शेयर कीजिए। मैं जैसे मेरा काम कर रहा हूँ, चाहे 1,000 लोग हैं चाहे 10,000 हैं चाहे 15,000 हैं, मैंने 28 दिन कमिट किया है तो मैं 28 दिन ये सेशन डिलीवर करूँगा। ऐसे ही दोस्तों आप भी थोड़ा सा कमिट कीजिए, और चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, आपका काम है शेयर करना। हर रोज जैसे ही वीडियो चालू होता है शेयर कीजिए। बार बार इसके बारे में बताना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार मैं इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपका समय वेस्ट कर रहा हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिल से करूँगा, शिद्दत से करूँगा, और आपको भी करना है। और अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ भी काम करना है तो कल रात को भी 9:15 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पे 9:30 बजे तक 10:30 बजे तक या 11 बजे तक मेरा वेबिनार होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।